अजय भट्ट ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय भट्ट ने R9 टीवी से खास बातचीत की, कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। संस्कृत हमारी दूसरी राज्यभाषा है। रेलवे बोर्ड ने उत्तराखंड सरकार की मांग मान ली है, हर राज्य के क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता मिलती है, ये कहना है अजय भट्ट का। उत्तराखंड सरकार ने रेलवे बोर्ड से उत्तराखंड की दूसरी भाषा संस्कृत में लिखने की मांग की थी, जिसे रेल बोर्ड ने माना कि हर जगह अपनी क्षेत्रीय भाषा होती है जिसे प्राथमिकता दी जाती है। वहीं इस मामले पर उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद अजय भट्ट ने R9 टीवी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद अजय भट्ट हमारे साथ हैं। अजय जी, जिस तरह से रेल बोर्ड ने स्टेशनों पे उर्दू की जगह संस्कृत दिया है, कांग्रेस कह रही है कि उर्दू हटाने की कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में हम लोगों ने लिया है, और यो तो सारी भाषाएं हैं देश में, जितनी भी हैं सारी भाषाओं को एक साथ तो लिखा नहीं जा सकता है। अब जो द्वितीय राजभाषा है उसको तो प्रदेश लिखेगा ही, इसलिए इसमें मैं समझता हूँ कहीं पर कोई गुरेज नहीं है। कहीं उर्दू भी है, कहीं संस्कृत भी है, कहीं अन्य भाषाएं भी हैं। अब आप साउथ में जाएंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, वहाँ की तेलुगु, तमिल या फिर कन्नड़, इस टाइप की भाषाएं होती हैं जगह जगह, तो इसमें कोई विवाद का कारण नहीं है। द्वितीय आपको लगता है कि एक एक नाम और बढ़ाया जा सकता था? अब ये तो गवर्नमेंट ने या फिर कंसर्निंग डिपार्टमेंट ने क्या सोच के किया है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। संस्कृत पर हमारी मांग जरूर थी कि हर जगह पर संस्कृत में भी बोर्ड लिखे जाने चाहिए। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे अजय भट्ट, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि उत्तराखंड में लगातार मांग थी कि आखिर जो द्वितीय भाषा संस्कृत है वो वहां पे लागू की जाए। कैमरामैन केसर के साथ अमित दुबे, R9 TV, दिल्ली।